जय हिंद साथियों, मैं अभय गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का जागृत इंस्टीट्यूट पर। हम कैलेंडर टॉपिक को पढ़ रहे थे जिसमें हमने अभी तक दो वीडियो को देखा है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि कैलेंडर क्या होता है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को हमने सीखा था। हमने देखा था कि कैलेंडर का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से कैलेंडर की शुरुआत हुई, भारत में कितने तरह के कैलेंडर प्रचलित हैं, और कोई भी वर्ष लीप वर्ष क्यों होता है, कोई भी वर्ष साधारण वर्ष क्यों होता है, लीप वर्ष में हम चार से क्यों भाग देते हैं, और शताब्दी वर्ष में हम 400 से क्यों भाग देते हैं। ये सारी चीजें हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, मतलब पहली क्लास में हमने देखा। दूसरी क्लास में हमने देखा था कि कोई भी मंथ कब रिपीट होता है, मतलब कोई भी मंथ मतलब किसी भी महीने में जो पहले दिन सोमवार था तो वो किस मंथ में रिपीटेशन होगा, ये हम दूसरी क्लास में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कोई भी वर्ष कि किसी भी वर्ष का रिपीटेशन किस वर्ष होता है, मतलब कितने सालों बाद होता है, तो आज हम ये देखने जा रहे हैं। अभी पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर लास्ट में मैं आपको केवल एक चार्ट बता दूंगा, तो उस पूरे चार्ट से आपका पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, वह चार्ट तो सबको याद होता है कि 28/6/11/11 वो सबको याद है, लेकिन क्या होता है कई बार चार्ट से क्वेश्चन भी फेल हो जाते हैं। कई बार ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन से फंसा देता है कि वो चार्ट का पूरा कंसेप्ट फेल हो जाता है, इसलिए हमको उसका पहले बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो पहले आज हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और अगर हमको बेसिक स्ट्रक्चर आ गया तो सिंगल एक भी क्वेश्चन इस मतलब कौन सी साल कब रिपीट होता है, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था ऑड डे, दूसरी क्लास जो थी मैंने आपको ऑड डे निकालना सिखाया था कि हमको किसी भी संख्या का अगर ऑड डे निकालना है तो आप केवल 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है वह हमारा क्या कहलाता है, ऑड डे यानी विषम दिन कहलाते हैं। ठीक वही हमने देखा था कि किसी भी साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, क्योंकि 365 में जब हम 7 से भाग करते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि 7 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी वीक में 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार से लेकर रविवार तक, ये 7 दिन होते हैं, इसलिए हम किन्हीं भी दिनों में 7 से डिवाइड करते हैं विषम संख्याओं को निकालने के लिए। तो जब हम किसी साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष क्या होता है, हमने देखा था कि जिस वर्ष में दिनों की संख्या 365 हो वह वर्ष क्या कहलाता है, साधारण वर्ष कहलाता है। तो साधारण वर्ष में हमारा एक ऑड डे निकला था, जब हम 7 से 365 को डिवाइड करते हैं तो 52 बार जाता है, तो 52 वीक बनते हैं, और तो हमारा एक ऑड डे बनता है। ठीक उसी तरह हमने देखा था कि लीप वर्ष में, अब लीप वर्ष क्या होता है, जिस वर्ष में दिनों की संख्या 366 हो, 366 हो, वह हमारा लीप वर्ष कहलाता है। जिसमें हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो ऑड डे बचते हैं, दो ऑड डे बचते हैं। तो केवल और केवल वही कंसेप्ट आज की क्लास में भी लगेगा, हम केवल इसी कंसेप्ट एक कंसेप्ट से हम आज निकालना सीख जाएंगे कि कोई भी वर्ष किस बार रिपीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, फिर उसके बाद इस वीडियो को आपको आगे देखना है। पहले सवाल का जवाब देना है कि वर्ष 2005 की तरह, वर्ष 2005 की तरह कैलेंडर किस, या ऐसा लिख लीजिए कि वर्ष 2005 की तरह किस वर्ष कैलेंडर पूरी तरह रिपीट होगा या उसकी तरह आएगा, ठीक है, कि वर्ष 2005 की तरह लिख लीजिए कैलेंडर किस वर्ष रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2005 की तरह कैलेंडर किस वर्ष पूरी तरह समान रहेगा या समान रहेगा, इस तरह आएगा क्वेश्चन। इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि वर्ष 2004 की तरह जनवरी माह का कैलेंडर केवल जनवरी माह लिख लीजिए आप, ठीक है, केवल जनवरी माह का कैलेंडर किस वर्ष समान रहेगा, ठीक है। ये हमारे दो क्वेश्चन है, अब दोनों क्वेश्चन में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। इसमें उसने पूछा कि पूरा वर्ष, देखिए कोई अगर वर्ष का कैलेंडर समान है तो वो जनवरी का कैलेंडर तो समान रहेगा ही रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें केवल जनवरी वर्ष का, जनवरी माह का कैलेंडर समान रहता है, तो आज हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए
इसका सभी बच्चों को और कई सारी किताबों में ट्रिक लिखी होती है कि 28/6/11/11 इसको याद कर लीजिए, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। बिल्कुल हम भी उसी ट्रिक से करेंगे और उसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अब आप बोलेंगे सर हमको तो याद है तो हम इतना समय क्यों बर्बाद करें, तो देखिए ये जो चार्ट होता है 28/6/11/11 का वो हर क्वेश्चन में लगता है, लेकिन आजकल एग्जामिनर भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने लगे और बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे जिसमें ये चार्ट पूरी तरह फेल हो जाता है, तो उस चार्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते जब शताब्दी वर्ष आ जाता है। तो आज हम वो भी जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन पहले हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे कि बेसिक क्या होता है, फिर उसके बाद फोर ट्रिक होगी। तो मैं बार बार आपसे यही बोलता हूँ हर क्लास में कि देखिए ट्रिक सीखना बहुत आसान है लेकिन उसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सीख तो लेते हैं लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन अगर हमने कोई ट्रिक सीखी है और उसके पीछे हमको उसका बेसिक लॉजिक पता है तो हमको एक तो वो ट्रिक बेसिक याद रहती है और उसका कारण भी पता होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो ट्रिक हम कभी भी भूलते नहीं है। तो पहले हम इसका आज बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में मैं वो आपको चार्ट बताऊंगा, उसके बाद वो क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि जिससे वो क्वेश्चन जो अपना चार्ट है वो फेल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को कि 2005 की तरह कैलेंडर किस वर्ष समान रहेगा। तो देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको मंथ समान निकालना बताया था, तो हम मंथ समान किस तरह निकालते थे, हम मंथ निकालते थे 7 से डिवाइड करके, और 7 से डिवाइड क्यों करते थे हम देख चुके हैं पिछली क्लास में कि क्योंकि किसी भी वीक में 7 दिन होते हैं इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि किसी भी ईयर का हमको निकालना है तो हम 7 से, भाई जो भी ईयर 7 का फैक्टर होगा या 7 का मल्टीपल होगा चाहे वो 7 हो 14 हो 21 हो, तो उस फैक्टर में सारे वर्ष क्या होंगे रिपीट होंगे। तो हम देखते हैं, देखिए अब 2005 दिया है हमको, हमको 2005 से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया 2005 में कितने ऑर्डर होते हैं, एक हमने सीखा है क्योंकि 2005 हमारा क्या है एक ऑर्डिनरी डे, मतलब साधारण वर्ष है, 2005 हमारा साधारण वर्ष है तो उसमें कितने दिन आए एक, ठीक है। 2005 में 2006 कितने होंगे एक, 2007 में एक, 2008 में कितने होंगे दो, अब इसमें दो क्यों हो रहे हैं क्योंकि 2000 क्या है हमारा लीप वर्ष, उसमें हमारे कितने दिन होंगे विषम दिन दो, ठीक है। अब 2009 पर आए हम क्या हो जाएगा एक, अब देखिए 3, 4, 5, 6 अभी भी नहीं हुआ हमारा, फिर हम 2010 पर आए तो ये क्या होगा 7, देखिए 2, 4, 5 और 2, 7, अब हम इसमें 7 से 7 डिवाइड किया तो ये चला गया पूरी तरह, गए कि नहीं गया, तो ये 7 से क्या तो हमारा डिप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि इसका आंसर 2010 होगा या 2011 होगा, इसका आंसर 2010 होगा या 2011 होगा, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ। तो देखिए साथियों कि जब हमने 2005 से कोई वर्ष स्टार्ट किया था और ये जो एक वर्ष है जो 2005 का ये वाला जो और डे वो कब आ रहा है, जब 2010 का कैलेंडर समाप्त हो रहा है, जब 2010 का साधन वर्ष का कैलेंडर समाप्त होगा तभी तो ये वाला वर्ष क्या आता है एक ऑफ डे आता है। तो भाई ये जो 2000 वर्ष तो समाप्त हो गया कि नहीं हुआ, जैसे ही ये समाप्त हुआ तभी तो 2011 आएगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सर 2011 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2011, ये वाली बात आई समझ में, क्योंकि ये वर्ष तो क्या हो गया समाप्त हो गया, तो 2010 के बाद क्या आएगा 2011, तो ये हमारा क्या हो जाएगा समान वर्ष। तो 2005 की तरह कैलेंडर समान कब होगा 2011 में, इसका तात्पर्य यह है कि आप 2005 का कैलेंडर 2011 में भी उपयोग कर सकते हैं, उसकी एक एक डेट बिल्कुल तरह क्या रहेगी सेम रहेगी। तो ये वाली बात आई समझ में, देखिए हम इसकी ट्रिक भी जानेंगे बिल्कुल विद इन सेकेंड, मैं बोल रहा हूँ इस सवालों को आपको देख कर आंसर दे दिया करें, डायरेक्ट आपको टिक करना है आंसर, लेकिन उसका अप्रोच पहले हम सीखेंगे कि भाई मेरा ये इसी तरह मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं पहले आपको अप्रोच सिखाता हूँ उसके बाद में कोई ट्रिक आपको बताऊंगा, तो उसका अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है ना। तो आप ट्रिक से भी बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे। तो इसका आंसर आगे 2005 का 2011। अब हमारे इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, तो ये वर्ष की तरह पूरा कैलेंडर कब समान हुआ 2011 में। अब आते हैं हमारे 2004 के कैलेंडर पर, तो देखिए 2004 माना क्या लीप वर्ष है भाई, 4 4 से भाग देके देखेंगे तो कितने ऑफ डे मिलेंगे दो, दो क्यों मिले क्योंकि ये क्या है लीप वर्ष है हमारा, क्या है हमारा लीप वर्ष है, ठीक है। अब 2004 के बाद 2005 क्या होगा हमारा एक, 2006 एक, 2007 एक, 2008 दो, तो देखिए 2 और 2 4 4 और 3 7 ये 7 आ गया। अब 7 से हमको भाग दिया तो क्या गैर चला नहीं है, जीरो रिमाइंडर बचा, बचा कि नहीं बचा। तो अब यहां हमने देखा था कि जो कैलेंडर समाप्त होता है उसके अगले वाला हमारा
समान वर्ष होता है, तो 2008, तो 2008 के बाद क्या आएगा हमारा 2009, क्या हुआ 2009, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2009। अब यहां से एक डाउट निकल कर आता है कि 2009 2000 की तरह 4 की तरह समान होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। तो आप बोलेंगे सर 2004 की तरह तो 2009 कभी भी समान हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों, क्यों? क्योंकि 2004 क्या है हमारा लीप वर्ष, 2004 क्या है हमारा लीप वर्ष, और 2009 क्या है हमारा साधारण वर्ष। 2004 है हमारा लीप वर्ष, 2009 है हमारा साधारण वर्ष। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि 7 से भाग देते हैं तो हमारा वही वर्ष निकलता है, इस क्वेश्चन में हम निकाल के सीखे, तो बिल्कुल 7 से भाग देंगे तो वो रिपीटेशन होगा और वही वर्ष होगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे भाई अगर लीप वर्ष है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, लीप वर्ष आना चाहिए। यहाँ पे अगर साधारण वर्ष है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, साधारण वर्ष आना चाहिए, तभी वह कैलेंडर रिपीट होगा, नहीं तो ये यहाँ पर कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। बस अब बच्चे क्या करते हैं, वही ट्रिक को याद कर लेते हैं और जब एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन को घुमाता है तो वो आंसर गलत हो जाता है। अब देखिए जैसा कि हमारा 2009 आया तो 2009 आया, देखिए अब 2004 में हमारी फरवरी कितने की होगी, आप बोलेंगे सर लीप वर्ष है तो हमारी फरवरी होगी कितने की, 29 की होगी कि नहीं होगी, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। और 2009 हमारा क्या है साधारण वर्ष है तो इसमें फरवरी हमारी कितने की होगी, आप बोलेंगे सर 28 की होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो 7 से क्या हो गया कट गया, तो 7 से ही कट गया, तो ये जो है 28 फरवरी तक ये कैलेंडर क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन कब, 2009 के, जैसे ही 2008 के बाद 2009 आएगा तो 2004 का जो कैलेंडर था वो 28 फरवरी तक कहां तक, 28 फरवरी तक क्या रहेगा, समान रहेगा। भाई किसी भी लीप वर्ष में, किसी भी लीप वर्ष में 29 फरवरी के बाद आता है 1 मार्च, 29 फरवरी के बाद आता है 1 मार्च, और किसी साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में 28 फरवरी के बाद आता है 1 मार्च। तो आप यही अंतर समझ गए होंगे कि जब दिन में अंतर आ रहा है तो ये दोनों वर्ष कैसे समान होंगे कि नहीं होंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो यहाँ से हमको एक निष्कर्ष निकल के आता है, तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो चीज आपके मन में दिमाग में याद है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं उस चीज को लिख रहा हूं, इसको मैं बता रहा हूँ लीप वर्ष को देखिए, अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है और वो लीप वर्ष है, ठीक है, और यदि कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो वही वो क्या है साधारण वर्ष। तो ये जो है हमेशा क्या होगा, पूरे वर्ष समान होंगे, सारे के सारे जो है क्या बोलते हैं, ये जो है सारे का सारा कैलेंडर क्या होगा, समान होगा, पूरा कैलेंडर समान। यहां पर लिख देता हूं मैं पूरा कैलेंडर समान, पूरा कैलेंडर समान रहेगा। कैसे, जैसे हम यहाँ पे क्या था साधारण वर्ष था हमारा, साधारण वर्ष से जैसे ही हम साधारण वर्ष पे आए तो ये जो 2005 का कैलेंडर और 2011 का कैलेंडर पूरी तरह क्या रहेगा, समान, ठीक है। यहीं पर मैं एक और चीज लिख रहा हूं, जैसे अगर लीप वर्ष है और यहां से हम जाते हैं और आ जाता है हमारा साधारण वर्ष, ठीक है, और यहां पर अगर साधारण वर्ष है और सॉल्व करने पर आ जाता है हमारा लीप वर्ष, ठीक है, तो केवल और केवल 28 फरवरी तक कैलेंडर क्या रहेगा, समान। कहां तक, 28 फरवरी तक क्या रहेगा हमारा कैलेंडर समान, 28 फरवरी तक कहां तक रहेगा हमारा कैलेंडर समान। तो यहां से बनते हैं दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनेगा ये कि भाई इसकी तरह किस जनवरी तक या 28 फरवरी तक, दो क्वेश्चन दे देगा, या तो पूछेगा जनवरी या पूछेगा 28 फरवरी तक कैलेंडर समान रहेगा, या पूछता है हमसे सवाल में कि वर्ष 2005 की तरह कैलेंडर किस वर्ष समान रहेगा, तो हमारा क्या हो जाता है ये वाला आंसर, कब, जब कैलेंडर समान पूछे, और जब पूछे हमसे क्या बोलते हैं किस वर्ष जनवरी माह तक कैलेंडर समान रहेगा, तो हम उसको उतारेंगे इस तरह। और यहां से याद रखिए अगर लीप वर्ष से हम गए, लीप वर्ष से गए और लीप वर्ष आ गया, लीप वर्ष से गए लीप वर्ष आ गया, तो पूरे का पूरा कैलेंडर रिपीट होगा। साधारण वर्ष से गए साधारण वर्ष आ गया, साधारण वर्ष से गए साधारण वर्ष आ गया, तो भी पूरी तरह का कैलेंडर क्या हुआ, रिपीट होगा। लीप वर्ष से गए साधारण वर्ष आ गया, लीप वर्ष से गए साधारण वर्ष आ गया, साधारण वर्ष से गए लीप वर्ष आ गया, साधारण वर्ष से गए लीप वर्ष आ गए,
तो केवल और केवल फरवरी 28 फरवरी तक हमारा क्या रहेगा, कैलेंडर समान रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये 5 सेकंड में हम इन सवालों के आंसर देंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अभी अगली चीजें जब इसका जो चार्ट रहता है सबको याद है, 28/6/11/11 सबको याद है, आपको भी याद हो जाएगा, उस चार्ट से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा कि वहां चार्ट से कैसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे बिठा रहा हूँ। बस ये जो मैंने लिखा इस पंडे को, इसको तो आप नोट बना के अपने दिमाग पर बैठा लीजिए, ये अगर याद है तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन इस तरह गलत नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि वर्ष 2018 की तरह कैलेंडर किस वर्ष समान रहेगा। क्वेश्चन यही है, बस मैं वर्ष यहाँ पर लिख रहा हूँ 2018, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्वेश्चन 2018 कि 2018 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है, हमें इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए अब 2018 हमारा क्या है, एक साधारण वर्ष है, तो क्या आएगा, एक वोट डे, 18 के बाद 19, एक 20 में क्या आएगा, दो, दो क्या है हमारा लीप वर्ष भाई, सॉरी 2020 तो हमारा क्या है लीप वर्ष है, तो इसमें क्या वोट डे आएंगे, दो आएंगे। अब देखिए फिर 2021 एक, 2022 एक, 2023 एक। अब देखिए यहां से 1, 2, 3, 4, 5 और 7, ये 7 आ गया, बटे 7 तो क्या बचा हमारा रिमाइंडर, 0 बचा, रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 0 बचा। तो कभी भी 23 होता है क्या, नहीं होता, तो 2023 के बाद क्या हो जाएगा, 2024 क्या होगा हमारा, समान कैलेंडर होगा कि नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर एक पर यही ये सवाल होगा, ऑप्शन नंबर एक होगा, और कई लोग इसको लगाकर आएंगे और आपका एक नंबर गलत हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों हो जाएगा, तो देखिए अभी मैंने क्या बताया था, अगर हम साधारण वर्ष से शुरुआत करते हैं, अगर हम साधारण वर्ष से शुरुआत करते हैं तो ये क्या आना चाहिए, साधारण वर्ष, तभी वह कैलेंडर क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे 2018 क्या था, एक साधारण वर्ष था, 2018 क्या है हमारा, एक साधारण वर्ष है, और यहाँ पर क्या है 2024 तो 2024 क्या है हमारा लीप वर्ष, और लीप वर्ष निकालना मैं आपको पहली क्लास में सिखाई चुका हूँ, 2024 में जब हम 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष आता है, तो 2024 तो यहाँ ये साधारण वर्ष है और यहाँ ये एक लीप वर्ष है, तो इसका कैलेंडर कभी भी समान होगा क्या, आप बोलेंगे सर कभी समान नहीं होगा। पूछो क्यों, क्योंकि सर अभी हम सीख चुके हैं कि किसी भी साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28 की और लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 की, तो जब 28-29 हो रहा है तो कहां से कैलेंडर समान हो जाएगा, ये ऐसा होगा लेकिन कहां तक, केवल और केवल 28 फरवरी तक ये कैलेंडर का होगा समान। ठीक है, ये वाली बात आई समझ में, अब सारे डाउट क्लियर होगा होंगे आपको। लेकिन मैंने 2000 में पूछा कि पूरी तरह कैलेंडर किस वर्ष समान होगा, तो हम इसको आगे तक सॉल्व करना पड़ेगा कि हम 7 का मल्टीपल चेक करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमको तो पूरी तरह बताना है, तो क्या है 24 में कितने आएंगे, दो आएंगे। ठीक है, 24 के बाद कितना है, देखिए 2, 4, 5, 7 हो गया था, अब देखिए 24 के बाद 25, 1, 26, 1, 27, 1, 28, 2। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 10 और 4, 14 कितना आ गया हमारा 14, 7 से डिवाइड है, आप बोलेंगे बिल्कुल रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा 0, तो 28 के बाद क्या आएगा हमारा 2029 क्या जाएगा हमारा 2029, तो 2018 की तरह कैलेंडर कब समान होगा हमारा 2029 में। 2018 हमारा कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष, 2018 हमारा कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष, और 2029 हमारा कैसा वर्ष है, आप बोलेंगे सर सामान्य वर्ष। तो देखिए वही चीज, साधारण वर्ष से चले हमारा साधारण वर्ष आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएंगे समान। तो 2018 की तरह कैलेंडर कब रिपीट होगा 29 में, होगा कि नहीं होगा, आई बात समझ में, आता कोई दिक्कत। लेकिन देखिए परीक्षा में हम ऐसे थोड़ी निकालेंगे हर एक सवाल को, इतना निकालना संभव भी नहीं होता। तो देखिए अब यहां से आप देखेंगे 2005 से जैसे ही मैं 2011 पर पहुंचा तो मैंने क्या किया, +6 किया, किया कि नहीं किया, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल किया, +6 किया हमने। अब जैसे ही मैं 2018 से 2029 पर पूछूंगा तो देखिए 2018 से 28 10 और 1 29, तो मैंने प्लस क्या किया 11, मैंने प्लस कितना किया, मैंने प्लस किया 11, ये वाली बात आई समझ में। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि प्लस 6 कब करना है, प्लस 11 करना है, तो दो चीजें हमने यहां से सीख ली, +6 यहां से आया,
प्लस 11 यहां से आया, आया कि नहीं आया। अब देखिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको कि मैं लिखूं वर्ष 2024, वर्ष 2024 की तरह कैलेंडर किस वर्ष समान होगा, वर्ष 2024 की तरह कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। सेम टू सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। हम देखिए 24 करेंगे दो लेंगे, दो क्या है लीप वर्ष है हमारा, फिर 25, फिर 26 इस तरह लेंगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, उससे ये वीडियो भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसको क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप बेसिक कंसेप्ट सीख चुके हैं कि इस तरह हम निकालते हैं, ये निकाल लिया। तो जब भी लीप वर्ष आए तो आप सबको याद है कि जब भी लीप वर्ष आता है तो हम क्या करते हैं, 24 जाएगा फिर 25 जाएगा, इस तरह जाएगा, इसी तरह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी जो भी लीप वर्ष आता है उसमें क्या कर देते हैं, प्लस 28 कर देते हैं, तो वह चीज क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। तो देखिए 28 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 32, 30 52, तो 52 8 4 12 की तो कैरी आई है 2052। तो अगला जो कैलेंडर है 2024 की तरह कब रिपीट होगा, 2052 में। 2024 क्या है हमारा लीप वर्ष, 2052 क्या है हमारा लीप वर्ष। इसलिए लीप वर्ष में हम क्या करते हैं, प्लस 28 को जोड़ते हैं। ये वाली बात आई समझ में। आप जब इसको बेसिक कंसेप्ट से निकालेंगे, जब इसको आप बेसिक कंसेप्ट से निकालेंगे तो इसी तरह प्रोसेस जाएगी। प्रोसेस कहां तक जाएगी, 2051 तक, 51 तक जैसे ही आप आएंगे तो 52 का हो जाएगा हमारा रिपीट हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम 6 को प्लस करते हैं, 11 क्यों करते हैं और 28 क्यों करते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि इनको कब कब अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, बहुत बढ़िया, उस चार्ट को आप दिमाग में याद रखिए कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं तो आप हेडिंग मानिए, और मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल नोट्स बनाती हूँ, चलिए साथ साथ क्योंकि होते हैं परीक्षा के टाइम ये नोट्स सबको काम आते हैं कि जैसे भाई हमारे 10 दिन बाद या 7 दिन बाद एग्जाम है तो हम उन नोट्सों को, शॉर्ट नोट्स को एक बार रिविजन कर लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। तो आप हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, मैं बोल देता हूँ आपको हेडिंग कि किस किस वर्ष कैलेंडर समान रहता है, किस किस वर्ष कैलेंडर समान रहता है। तो देखिए मैं बहुत बड़े चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्लस वन, प्लस टू। अब ये मैं बताऊंगा प्लस वन प्लस टू क्या है। लीप वर्ष प्लस तीन, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए कोई वर्ष ले लेता हूं मैं, कोई वर्ष है अपना 2016, क्या है 2016। तो देखिए लीप वर्ष होगा 2000, लीप वर्ष प्लस वन क्या होता है हमारा 2017 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब 2016-17 के बाद 2000 क्या हो जाएगा 18, तो 2000 क्या हो जाएगा 19 होगा कि नहीं होगा आप बोलेंगे। अब जैसे ही मैं अगली बार जाऊंगा अगर लीप वर्ष प्लस 4 करूंगा तो क्या जाएगा मेरा 2020 आया कि नहीं आया, तो यही हमारा क्या हो गया लीप वर्ष हो गया, मतलब रिपीटेशन हो गया। तो हम कहां तक जाएंगे, केवल प्लस 3 तक। अब देखिए अब यहां पर देखिए जब भी लीप वर्ष हो तब हम क्या करेंगे प्लस 28। देखिए जब भी लीप वर्ष हो हम क्या करेंगे प्लस 28, ठीक है। जब भी लीप वर्ष से एक वर्ष ज्यादा हो तब हम क्या करेंगे प्लस 6, क्या करेंगे प्लस 6। जब भी लीप वर्ष से दो वर्ष ज्यादा है तब हम क्या करेंगे प्लस 11। जब भी लीप वर्ष से तीन वर्ष ज्यादा है तब हम क्या करेंगे प्लस 11। अभी ये एग्जांपल से पूरा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन है एक, बताइए 2004 की के समान किस वर्ष का कैलेंडर रिपीट होगा, के समान किस वर्ष का कैलेंडर रिपीट होगा। 2004 हमने देखा 2004 क्या है हमारा लीप वर्ष है, 2004 क्या हमारा लीप वर्ष, तो तुरंत डायरेक्ट क्या करेंगे प्लस 28, क्या करेंगे इसमें क्या कर देंगे प्लस 28। देखिए 28 2032, तो 2004 की तरह कैलेंडर कब समान होगा 2032 में, ये वाली बात आई समझ में।
2004 क्या था, लीपर्स, लीपर्स निकालना हमको आता है, चार से भाग दे दो लास्ट में, लास्ट के दो डिजिट में लीपर्स का पता चल जाता है। अगली आप 2005 पर आया हूं, देखिए लीपर्स से कितना ज्यादा, एक पर ज्यादा, लीपर्स से कितना पर ज्यादा, एक पर ज्यादा, कितना करेंगे प्लस छह, कितना करेंगे प्लस छह, क्या हो जाएगा 11। तो 2005 की तरह कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2011 में, 2005 की तरह कैलेंडर रिपीट क्या होगा, 2011 में। और इसका बेसिक कंसेप्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, सीखा कि नहीं सीखा आपके लिए बिल्कुल, एक और लीजिए 2006, देखिए 2006 लीपर से कितना ज्यादा, दो बार ज्यादा, लीपर से कितना ज्यादा, दो बार ज्यादा, क्या करेंगे प्लस 11, क्या करेंगे प्लस 11, कितना हो जाएगा 7-1, 2017 कब रिपीट होगा कैलेंडर, 2017। अगला लीजिए देखिए 2007 कितना ज्यादा, तीन ज्यादा, लीपर से कितना ज्यादा, तीन ज्यादा, कितना करेंगे प्लस 11, ठीक है कर दीजिए 8-1-18। तो 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2018 में। प्रश्न आएगा इस तरह कि 2004 की तरह किस वर्ष कैलेंडर रिपीट होगा, प्लस 28 कर देंगे, 2005 की तरह किस वर्ष रिपीट होगा कैलेंडर, भाई कितना ज्यादा है इससे लीपर से, एक वर्ष ज्यादा, भाई लीपर देखना है हमको उसके आसपास। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, देखिए और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक और ले लेते हैं हम, कौन सा ले लें, 2016 ले लेते हैं, 2016 क्या है हमारा, आप बोलेंगे सर लीप वर्ष कैसे पता, लास्ट के दो डिजिट में चार से भाग देंगे, देखा जब भी लीप वर्ष आए क्या करेंगे 28 से, ठीक है 18 से 34 14 चार कैरी आई, दो तीन और 44 हो जाएगा, ठीक है 2044 भाई 28 और 6 34 10 44, क्योंकि हमको कितना ऐड करना है 28, 2016 के बाद क्या आएगा 2017, कितना ज्यादा है 16 से एक ज्यादा, 16 नहीं लीप वर्ष से एक ज्यादा, कितना करेंगे प्लस 6, क्या जाएगा 2023 हो जाएगा कि नहीं, एक और आइए 2018 क्या करेंगे 11, भाई 11 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2018 लीप वर्ष से कितना ज्यादा, दो वर्ष ज्यादा, कितना ज्यादा दो वर्ष ज्यादा, ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, है ना, कर दीजिए 19 2029, 2018 की तरह कैलेंडर कब रिपीट होगा 2029 में, ठीक है अब क्या आएगा 2019 क्या करेंगे प्लस 11, क्यों, क्योंकि 2016 क्या था हमारा लीप वर्ष था, और लीप वर्ष जितना तीन अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे प्लस 11, तो क्या हो जाएगा 0 2 और 3 2030 क्या हो जाएगा हमारा 2030 कब रिपीट होगा 2030 में होगा, भाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, 17 16 17 18 19, तो इस तरह हम आंसर निकाल लेंगे, सारे वर्ष को सॉल्व कर लेंगे, है ना, 2030 की तरह क्या हो जाएगा हमारा कैलेंडर रिपीट 2019 की तरह, भाई 30 में तो क्या है हमारा साधारण वर्ष है, लास्ट दो डिजिट देखिए चार से भाग नहीं जा रहा है। तो ये था हमारा किसी भी वर्ष को निकालने का तरीका कि आप किस तरह कैलेंडरी का निकाल सकते हैं। तो देखिए अब ये तो था हमारा चार्ट जो हर किताब में आपको मिल जाएगा, कई जगह मिल जाता है, ठीक है हमको क्या याद रखना 28 6 11 11, दो तीन बार रिपीट करेंगे 28 6 11 11 अपने याद हो जाएगा। लेकिन देखिए अब ये जो क्या होता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये ट्रिक हो जाती है फेल हो जाती है फेल, अब मैं आपको वो बताता हूँ इसका कारण कि हमने अच्छा पहले बेसिक को क्यों समझा, भाई किसी भी क्वेश्चन का बेसिक जानना क्यों जरूरी है, अब आजकल थोड़े से एडवांस क्वेश्चन बनने लगे, अब मैं आपको वो वाला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जहाँ पे ये सारी ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी फेल हो जाएगी, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब हम क्या करेंगे इससे पहले जो हम बेसिक कर रहे थे वही चीज हम क्या करेंगे सॉल्व। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसको निकालने के बाद, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1896, क्वेश्चन में यहां पे लिख देता हूं वर्ष 1896 की तरह किस वर्ष कैलेंडर पूरी तरह समान रहेगा, वर्ष 1896 की तरह किस वर्ष कैलेंडर पूरी तरह समान रहेगा, क्वेश्चन तो आप लिख लेंगे सभी लोग, वर्ष 1896 की तरह किस वर्ष पूरी तरह कैलेंडर क्या रहेगा समान रहेगा। तो अभी तक हमने सीखा कि क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, तो हमने देखा 96 में हमने 96 में हमने चार से भाग दिया चला गया, तो ये क्या हमारा लीप वर्ष, और लीप वर्ष के लिए हमने सीखता कहा था कि जब भी कोई वर्ष लीप वर्ष आए 1896 क्या है हमारा लीप वर्ष, और उसमें क्या कर दीजिए 28 प्लस कर दीजिए, क्या कर दीजिए 28 प्लस कर दीजिए, देखिए 8 और 4 कैरी 4 कितना आएगा 24 आएगा, और
1900 भाई क्यों देखो 8 और 6 14 4 कैरियर 10 दोबारा और 1924 तो 1924 की तरह क्या होगा हमारा कैलेंडर समान होगा होगा कि नहीं होगा अभी तक जो हमने सीखा और ये जो 1924 रहेगा ये कहाँ रहेगा पहले ऑप्शन पर कहाँ रहेगा पहले ऑप्शन पे इस तरह रहेगा पहला ऑप्शन बी और डी होंगे और हम इसको इसको टिक कैसे करके आगे बढ़ जाएंगे और हमारा क्या चला जाएगा एक नंबर चला जाएगा क्या चला जाएगा हमारा एक नंबर चला जाएगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों चला जाएगा आपने सिखाया हमेशा कि 96 जो था लीप वर्ष हमेशा 28 वर्ष करते तो बेटा मैंने ये चीज़ सिखाई है साथियों ये चीज़ मैंने सिखाई है लेकिन अभी देखिए जो हमने सीखा उसको हम कहाँ से गलत कर देंगे जो हमने सीखा तो हमने ट्रिक बनाई है वो कैसे गलत हो जाएगी। तो आजकल एग्जामिनर ऐसे सवाल बनाता है ऐसे बच्चों को फंसाता है लेकिन आप अच्छी बात कभी भी नहीं फंसेंगे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर हमेशा क्या होंगे सही होंगे। तो देखिए अब ऐसा क्यों हो रहा है तो देखिए मैंने आपको बताया था कि शताब्दी वर्ष क्या होते हैं आप बोलेंगे सर शताब्दी वर्ष वह वर्ष होते हैं जिनके लास्ट के दो डिजिटों में क्या बने जीरो बने जैसे 1700 आप बोलेंगे हाँ सर 1700 फिर बोलेंगे आप 1800 ठीक है 1900 ठीक है हमारे शताब्दी वर्ष है फिर आएगा क्या 2000 आएगा कि नहीं 2100 2200 2300 2400 आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं इन शताब्दी वर्ष में पूछूं कि आप बताइए इन शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन से हैं आप बताइए इन शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष कौन कौन से हैं तो आप बोलेंगे कि सर इन मैं 400 से भाग देकर देख लीजिए जिस ईयर में 400 से भाग चला जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा लीप वर्ष कहलाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा लीप वर्ष। तो देखिए मैंने 1700 में 400 से भाग दिया जाएगा क्या आप बोलेंगे नहीं जाएगा सर लीप वर्ष होगा क्या नहीं 1800 में जाएगा नहीं 1900 में जाएगा क्या नहीं 2000 में क्या होगा आएगा कि नहीं जाएगा बिल्कुल जाएगा 2100 में जाएगा नहीं 2200 में नहीं 2300 में नहीं 2400 में क्या होगा जाएगा। तो यही दो तो हमारे क्या होंगे लीप वर्ष 2000 और 2400 होंगे कि नहीं होंगे आप बोलेंगे सर बिल्कुल होंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा सवाल क्या था 1896 से जैसे ही हम जाएंगे तो 1900 क्या आएगा हमारा आएगा और जबकि हम पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या पहली क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हर 4 साल बाद क्या होता है लीप वर्ष रिपीट होता है हर 4 साल बाद लीप वर्ष क्या होता है रिपीट होता है। तो ये 1896 इसमें मैं 4 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 1900 आएगा कि नहीं आएगा आप बोलेंगे हाँ सर आएगा लेकिन 1900 क्या लीप वर्ष है आप बोलेंगे नहीं। अब जब 1900 लीप वर्ष नहीं है तो इसके हम कोट कितना लेंगे ऑफ डे कितना होंगे बोलेंगे आप लेंगे एक ऑफ डे लेंगे इससे ही हमारा वो वाली जो ट्रिक 28 जोड़ने वाली क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी क्या हो जाएगी गलत क्योंकि अभी जब 28 जोड़ रहे थे तो हर 4 साल बाद क्या हो रहा था रिपीटेशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था 4 साल बाद लीप वर्ष आ रहा था तो हम उसके 2 ऑड डे ले रहे थे 2 विषम दिन ले रहे थे उसको हम जोड़ रहे थे तभी हम 28 पर पहुंच रहे थे तो इसलिए हम क्या कर देते हैं प्लस 28 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया शताब्दी वर्ष आ गया क्या आ गया शताब्दी वर्ष आ गया तो 1900 क्या है शताब्दी वर्ष है क्या नहीं 1900 क्या शताब्दी वर्ष तो हम क्या लेंगे और ध्यान देगी कैसे हमको बताना 1896 लीप का रिपीटेशन कब होगा। तो देखिए 1896 हमने लिया में कितने ऑड डे होंगे आप बोलेंगे सर 1 97 कितने होगा 1 96 तो लीप वर्ष है ना में कितने होंगे 2 भाई 96 तो लीप वर्ष है ना 2 97 में क्या 1 99 में 1 कितना अब क्या आएगा 1900 आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है 1899 और 1900 क्या एक साधारण वर्ष है 1900 क्या है हमारा एक साधारण वर्ष है 1900 क्या है हमारा एक साधारण वर्ष है। तो ये सवाल होगा क्या आप बोलेंगे नहीं होगा सर क्योंकि 1900 में क्या है साधारण वर्ष का कोड हम क्या लेंगे एक लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं 1900 किस पे एक पर क्या हो जाएगा 1 02 एक हुए क्या 2 4 6 यहाँ पर देखिए चाहिए यहाँ पर देखिए 7 हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 7 ठीक है 7 से 7 भाग क्या गया 0 रिमाइंडर तो आप बोलेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर 1902 क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1902 हमारा आंसर क्या होना चाहिए 1902। तो लेकिन याद रखिए पहले अभ्यास मैंने बताया था क्या बताया था अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो वह रिपीट कब होगा लीप वर्ष नहीं क्या 1902 लीप वर्ष है क्या बताइए कोई क्या 1902 लीप वर्ष है क्या आप बोलेंगे सर नहीं है लीप वर्ष क्योंकि 1902 क्या है साधारण वर्ष इसके 2 डिजिट में क्या हो रहा है 4 से भाग नहीं जा रहा तो 1902 इसकी तरह रिपीट होगा क्या आप बोलेंगे नहीं होगा लेकिन कब तक होगा केवल और केवल 28 फरवरी तक रिपीट होगा। तो हमने तो पूछा कि पूरा कैलेंडर कब रिपीट होगा तो हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो चलिए आगे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ तक हो गया हाँ तो गए थे यहाँ तक ठीक है अब आइए 1902 एक
एक चार एक, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको, मैं डाल देता हूँ, कर देते हैं इनको, देखिए चार हो गया, पांच एक छह एक सात एक, गिनिए देखिए, दो तीन चार पांच छह, सॉरी चार तो भाई वो है ना हमारे पास दो आए गए यहाँ पर, देखिए एक दो तीन, तीन तीन छह और एक सात, सात एक दो तीन चार पांच और दो सात, कितना आ गया हमारा ये चौदह, कितना आ गया चौदह आ गया, सात से देंगे रिमाइंडर क्या आएगा आप बोलेंगे जीरो, रिमाइंडर आ गया जीरो, ये क्या था 1900 हमारा क्या था सात था कि नहीं था, तो 1907 के बाद क्या आएगा हमारा, आप बोलेंगे सर आएगा 1908, क्या आएगा हमारा 1908, 1907 के बाद क्या आएगा 1908, तो 1896 की तरह कैलेंडर कब रिपीट होगा, आप बोलेंगे सर 1908 में रिपीट होगा, कब होगा 1908 में रिपीट होगा, आई बात समझ में अभी, लेकिन जब हम 28 जोड़ रहे थे, जब हम 28 जोड़ रहे थे तब हमारा क्या आ रहा था, जब हम 28 जोड़ रहे थे इसमें 1896 में, तो हमारा 1924 आ रहा था, 1924 आ रहा था, वही क्या हुआ था हमारा गलत आ रहा था, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैठ कहाँ फेल हो जाएगी हमारी 28 छह ग्यारह ग्यारह वाली, जब भी बीच में कोई शताब्दी वर्ष आता है, जब भी बीच में कोई शताब्दी वर्ष आता है, और वह शताब्दी वर्ष, और वह शताब्दी वर्ष क्या हो, साधारण वर्ष हो, अगर बीच में कोई साधारण वर्ष शताब्दी वर्ष है तो वह हमारा हमको इसी तरह बेसिक कंसेप्ट से करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा गलत, आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा एडवांस अप्रोच हो गया है तो उस तरह के क्वेश्चन देने लगा है, 98% तक क्वेश्चन आपके उस टॉपिक मतलब 28 6 11 11 से बन जाएंगे, लेकिन 1% तक ये चीजें वो देने लगा है, आप हमसे कुछ भी दे लें हम तो सारी चीजों को सीख गए, हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं, अब देखिए ऐसे शताब्दी वर्ष कब कब आएंगे, अभी देखिए हमारा 2019 में आएगा, सॉरी देखिए 1700 होगा, 1800 होगा, 1900 होगा, 2000 होगा क्या नहीं होगा, 2100 होगा, 2200 होगा, 2300 होगा, 2400 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब इन पे तो हमको देखना नहीं है, जब भी हमारे इस तरह इनके बीच में आने लगे कोई भी डे इस तरह आने लगे मतलब ये शताब्दी वर्ष आने लगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करना पड़ेगा, तो आज आप सीख गए होंगे कि कोई भी वर्ष कब रिपीट होता है, इससे पहली क्लास में हम सीख चुके हैं कि कोई भी मंथ क्यों रिपीट होता है, तो वहां भी हमने क्या 6 मंथ देखे थे, आप उनको याद कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने उसका बेसिक कंसेप्ट भी सीख लिया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, यहाँ भी हमने देख लिया है कि 28 6 11 11, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बार बार मेरे साथ बोलिए 28 6 11 11 कब होगा, लीप पर से तो 28, एक ज्यादा 6, दो ज्यादा 11, तीन ज्यादा है तो फिर से 11, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो आपके दिमाग में याद हो जाएगा और हमको समझ में आएगा कि जब भी इस तरह का अगर शताब्दी वर्ष बीच में है तो हमको इस तरह क्या करना पड़ेगा, इसको बेसिक कंसेप्ट सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये थी हमारी आज की क्लास, आपको ये क्लास कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस क्लास में क्या क्या परिवर्तन या क्या सुधार चाहते हैं आप वो भी हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डाल देंगे तो आप वहां पर भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, तो बस हमेशा क्या करिए कोशिश कीजिए आपके आसपास रहने वाले लोग क्या रहे खुश रहे, और हमेशा क्या करते रहिए आप मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।